हे नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल धारा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि दोस्तों बैंक बैलेंस चेक कैसे करें। सो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो अपने मोबाइल से आप घर बैठे यानी कि आपका बैंक का बैलेंस चेक, तो दोस्तों आप आसानी से चेक कर सकते हो। सो दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिंपली दोस्तों आपको लाल बटन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में दोस्तों आपको बेल आइकन दिखाई देगी, इस घंटी पे भी आपको क्लिक कर देना है ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। सो दोस्तों, मेरा नाम है धारा सिंह और आप देख रहे हो टेक्निकल धारा यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको प्ले स्टोर में जाना, और यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर सर्च कर लेना ऑल बैंक बैलेंस। उसके बाद में यहाँ पर बहुत सारा एप्लीकेशन आपको दिखाई देगा प्ले स्टोर पर, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बेस्ट वाला एप्लीकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये वाला एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेना, इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने बैंक का बैलेंस चेक कर पाएंगे। तो ये एप्लीकेशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल कर रखा है अपने फ़ोन में। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन को मैं ओपन कर लेता हूँ, तो आपको भी यहाँ पर ओपन कर लेना। चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों इस एप्लीकेशन में आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर इस एप्लीकेशन में कभी कभी आपको यहाँ पर ऐड भी आएगा, तो ऐड आपको यहाँ पर स्किप कर देना है। चलिए यहाँ पर मैं ऐड को स्किप कर दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे ऊपर वाला ऑप्शन दिखाई देगा आपको बैंक बैलेंस, तो देन यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, उसके बाद में सिलेक्ट यूअर बैंक का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों एक्सिस बैंक या फिर आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है तो दोस्तों वो यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। अगर इसमें से आपको कोई बैंक नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ पर नीचे की तरफ भी आपको बहुत सारा बैंक मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जैसे मैं सर्च कर लेता हूँ बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर आपको सर्च कर लेना। अगर आपको इसमें दिखाई नहीं देता तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया आ चुका है। तो यहाँ पर इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो आपको जैसे यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया का बैलेंस मैं चेक करके आपको बताने वाला हूँ। सो दोस्तों देखिए, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर बैलेंस वाला ऑप्शन दिखाई देगा, और दूसरा दोस्तों यहाँ पर मिनी स्टेटमेंट भी आप चेक कर सकते हो SMS से, और यहाँ पर कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर आपको मिल जाता है, तो यहाँ दोस्तों आप कस्टमर से भी बात कर सकते हो यानी हेल्प ले सकते हो। सो दोस्तों देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना बैंक का बैलेंस चेक करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं मेरे बैंक ऑफ इंडिया का बैलेंस है, तो यहाँ पर मैं चेक करके आपको बताने वाला हूँ। तो आपको करना क्या, यहाँ पर कॉल वाला ऑप्शन दिखाई देगा, उसी नंबर से कॉल करना है जो आपने बैंक में नंबर दे रखा है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यानी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है बैंक में, उसी नंबर से आपको कॉल करेंगे तब दोस्तों यानी कि आपका बैंक का बैलेंस चेक होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं कॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद में आपको कॉल कर देना। सो दोस्तों, यहाँ पर कॉल कट चुका है और SMS भी आ चुका है मेरे पास जस्ट, और मैं आपको SMS भी ओपन करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं SMS ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे देखिए दोस्तों अकाउंट जैसे मैंने ओपन किया SMS, उसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरा अकाउंट नंबर बता रहा है, और साथ में मेरे यहाँ पर दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया बता रहा है, और यहाँ पर मेरा जीरो बैलेंस बता रहा है, क्योंकि दोस्तों मेरे बैंक में दोस्तों यानी कि बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ पर जीरो अमाउंट है, तो जीरो बताएगा। सो दोस्तों आप भी इस तरह से, तो दोस्तों अगर आप चाहते हो अपने घर बैठे अपने मोबाइल से, तो इस तरह से आप अपने बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हो। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।